सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़कोट के पुरौला में डोर टू डोर कैंपेन किया। सीएम धामी ने भाजपा प्रत्याशी दुर्गेश्वर लाल के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इसके साथ ही सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी की। 14 फरवरी के दिन का इंतजार कर रहे हैं और वोट देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इस बार बहुत भारी बहुमत की यहाँ सरकार बनने वाली है। मैं पुरौला विधानसभा में, पुरौला के मार्केट के अंदर, सभी जगह मैंने आशीर्वाद लेने के लिए, निवेदन लेने के लिए हमारे प्रत्याशी दुर्गेश्वर लाल के साथ मैंने सभी से जनसंपर्क कार्यकर्ताओं के साथ किया है। तो मुझे निश्चित रूप से, मैं आश्वस्त हो गया हूँ कि यहाँ से कमल खिलने वाला है, एक तरफा यहाँ से जीत होने वाली है, उत्तराखंड के अंदर बड़ी बहुमत की सरकार बनने वाली। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कर्णप्रयाग में भी डोर टू डोर प्रचार किया। मुख्यमंत्री ने थराली विधानसभा के कुलसारी में बाजार में पैदल भ्रमण किया। थराली सीट पर भाजपा ने भूपाल राम टमटा को टिकट दिया है, वोट मांग रहे हैं, जनता का पूरा साथ मिल रहा है, थराली सीट पर हम भारी मतों से जीत रहे हैं, तो ये कहना भी सामने आया है, अपनी जीत का दावा किया है। देश के अंदर एक पूरा सभी का वातावरण इस प्रकार का बन गया है, सभी जगह जोश है, उत्साह है और लोग 14 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं, बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत लोगों के अंदर एक उत्सुकता है कि 14 फरवरी आएगी और सब भारी मतदान करेंगे। मैं आश्वस्त हूँ कि थराली विधानसभा समेत पूरे उत्तराखंड के अंदर हम भारी बहुमत से जीते हैं। वही अल्मोड़ा की जागेश्वर सीट से कांग्रेस ने इस बार भी गोविंद सिंह कुंजवाल को चुनावी मैदान में उतारा। गोविंद सिंह कुंजवाल इन दिनों डोर टू डोर कैंपेन में जुटे हैं। कुंजवाल का कहना है कि उनकी उम्र भले ही 75 की हो, मगर अभी भी उनका जोश और उत्साह किसी युवा से कम नहीं है। 10,000 युवा कांग्रेस के पास बहुत अधिक मुद्दे हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है 5 साल तक, उसने इस प्रदेश में कोई काम करने का प्रयास नहीं किया है। विकास चारों तरफ ठप है, महंगाई आसमान पर है, बेरोजगारी चरम पर है, हमारा युवा बहुत बड़ा परेशान है और दूसरा इस प्रदेश में भ्रष्टाचार भी बहुत हुआ है। ये 4 मुद्दों को लेकर के हम चुनाव प्रचार में जाएंगे।